हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम इरफान असलम। आज का जो हमारा लेक्चर है कि एस सर्कल और एस टी लूप और जो हमने सेट सर्कल या एस डब्ल्यू सर्कल पढ़ा था उससे ही मिलता जुलता है। उसमें मज़ीद कुछ अलग से रूल्स लिखे हुए हैं वावल इंडिकेशन के लिए कि अगर एस टी लूप वगैरह होती है या सेट सर्कल होता है या एस डब्ल्यू सर्कल होता है तो अगर उनके साथ हमने वावल लगाना है तो वह हम वावल किस तरह लिखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम जो हमारा पॉइंट है वो यही है, वावल इंडिकेशन। तो ये कोई ज़्यादा इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल है। हम थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं इसकी। अ सर्कल आर लूप इज़ ऑलवेज रेड फर्स्ट एट द बिगनिंग ऑफ ए वर्ड। कहता है जी अगर किसी वर्ड के स्टार्ट में कोई सर्कल लगा हुआ है, सर्कल या लूप लगी है, तो उसको हम पहले पढ़ेंगे। व्हेन ए वावल बिगन्स अ वर्ड वी मस्ट राइट अ स्ट्रोक इन ऑर्डर टू प्लेस द इनिशियल वावल साइन। कहते जी अगर आपके पास स्टार्ट में एस सर्कल है किसी वावल के और आपके पास एस टी लूप है तो और उससे पहले वावल है, तो फिर हम क्या एस सर्कल लिखेंगे या फिर हम एस टी लूप लिखेंगे। तो वो ये चीज़ बता रहा है इस वीडियो के अंदर। मैं आपको अभी एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। वो ये बता रहा है कि अगर एस सर्कल या एस टी लूप के बाद वावल आए तो फिर हम एस सर्कल लिखेंगे एस के लिए और एस टी के लिए हम एस टी की लूप लिखेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एस सर्कल या एस लूप से पहले वावल आ जाता है तो तब हम एस सर्कल नहीं लिख सकते और ना ही हम कोई लूप लिखेंगे। उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम वो वर्ड पूरा लिखें। अभी मैं आपको वर्ड्स के साथ बता देता हूँ। हमारे पास जो पहले दो वर्ड्स हैं वो हैं सैक एंड आस्क। अब ये देखें, वर्ड है सैक और दूसरा है हमारे पास आस्क, ठीक है। अब सैक में जब हम नोट करते हैं तो एस सर्कल के बाद वावल है, यानी कि शॉर्ट ए है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब हम वर्ड एस्क पे आते हैं तो एस्क में जो है हमारे पास शॉर्ट ए है। ये वैसे जो इंग्लिश के मुताबिक ये वर्ड एस्क है, ये आस्क नहीं है। तो अगर हम इसको एस्क पढ़ना चाहेंगे तो हम इसके साथ शॉर्ट वावल लगाएंगे, और अगर हम इसको आस्क पढ़ेंगे तो इसके साथ हम लॉन्ग वावल आ लगाएंगे। तो चूंकि पिट मैंने इसको एस्क बोला है, जैसे वर्ड आंसर नहीं होता है आंसर होता है, तो इसलिए हम इसको एस्क ही पढ़ेंगे। तो एस्क में अगर हम देखते हैं कि एस से पहले हमारे पास वावल है तो वो कहता है जी वावल लगाने के लिए ज़रूरी है कि आप एस सर्कल ना लिखें बल्कि आप पूरी स्ट्रोक लिखें ताकि आपको क्लियर हो कि इससे पहले हमारे पास वावल है। जैसे कि हमने पीछे आर के रूल में भी पढ़ा था कि जब वर्ड आर से स्टार्ट होता है तो हम आर अपर लिखते हैं, लेकिन जब आर से पहले वावल आता है तो हम आर डाउनवर्ड लिखते हैं ताकि वावल की इंडिकेशन हमें हो जाए, ताकि डाउनवर्ड आर देखते साथ हमें पता चल जाए कि इससे पहले वावल है। वो यही बात वो यहाँ पर समझा रहा है कि अगर एस सर्कल से पहले वावल है तो आप एस सर्कल नहीं लगा सकते, आप पूरी स्ट्रोक लिखेंगे ताकि क्लियर हो जाए कि यहाँ पे वावल लगा हुआ है, इससे पहले वावल है। जैसे ये सैक वर्ड है और आस्क वर्ड है। इस तरह जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है स्लीप और एस स्लीप। स्लीप, अब ये देखें, एस सर्कल के बाद वावल है इसलिए हमने उसको एस सर्कल के साथ लिखा है, लेकिन एस स्लीप में वावल पहले भी है तो इसलिए उसने पहले क्या किया है कि पहले एस सर्कल पूरा लिखा है और उसके बाद आप उसने एल ऊपर खींचा और पी लगा दिया है। तो वो ये यही बात वो समझा रहा है कि अगर एस सर्कल से पहले आपके पास वावल आ जाता है तो फिर आप एस की स्ट्रोक पूरी लिखें ताकि आप वावल इंडिकेट कर सकें और आपको देखते साथ पता चल जाए कि इससे पहले वावल पढ़ने हैं। इस तरह वर्ड है सम एंड एज्यूम। सम में एस के बाद वावल है इसलिए हम इसको एस सर्कल के साथ लिखेंगे, लेकिन एज्यूम के अंदर हमारे पास वावल पहले है तो इसलिए हम एस की स्ट्रोक पूरी लिखेंगे और साथ में हम एम लिखेंगे, यू का डिफ्थोंग लगेंगे। ये एज्यूम उसने लिखा हुआ है, एज्यूम नहीं है। अगर एज्यूम है तो इसके लिए आपको जी लिखना पड़ेगा और फिर एम लगाना पड़ेगा। ये अब आप पे डिपेंड करता है, आप लोग इसको एज्यूम पढ़ते हैं लेकिन एज्यूम पढ़ते हैं, लेकिन हम अपनी इंग्लिश में इसको एज्यूम पढ़ते हैं। बोलने वाला भी हमें एज्यूम ही बोलेगा तो आप जी के साथ ही चलें। तो इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्कोप। इसमें देखें, एस सर्कल और के बाद वावल आ रहा है इसलिए उसने पहले एस सर्कल लिखा है, और इस तरह जो हमारे पास एस्केप है तो एस्केप में पहले वावल है इसलिए उसने एस की स्ट्रोक पूरी लिखी है। इस तरह साइड, साइड के लिए उसने एस सर्कल और डी लिख दी है, और एसाइड के लिए उसने क्या किया है जी, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। साइड जब हमने लिखा तो हम इसके साथ आई लगाएंगे, आप इधर सॉरी पीछे लगेगा तो, और इसके बाद जब एसाइड आएगा तो एस सर्कल पूरा आ जाएगा और इसके साथ हमारे पास जो है वो वावल इंडिकेट हम कर देंगे और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफ्थोंग आ जाएगा। तो इस तरह नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है, अ सर्कल अ लूप इज ऑलवेज रेड लास्ट एट द एंड ऑफ ए वर्ड
When a word ends in a vowel, we must write a stroke in order to place the final vowel sign. बिल्कुल वही सेम है हमारे पास जो हमने पहले देखा कि अगर स्टार्ट में वावल है तो हम पूरी आउटलाइन लिखते हैं. सेम कंडीशन नेक्स्ट पॉइंट के साथ है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में वावल आ रहा हो तो तब आप ऐसे सर्कल नहीं लिखेंगे या लूप नहीं लिखेंगे. आप क्या लिखेंगे, आपने पूरी स्ट्रोक लिखनी है ताकि आप उसके साथ वावल इंडिकेट कर सकें. वर्ड्स के साथ हम देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी. दो वर्ड है हमारे पास, बीज एंड बिजी. बीज और दूसरा वर्ड है बिजी. अब बीज में हम नोट करें कि बीज में एस पे जाके जो है हमारा वर्ड एंड हो रहा है, जबकि बिजी में लास्ट में हमारे पास वॉवल का साउंड आ रहा है. तो ये बात बता रहा है कि जब आप बीज लिखेंगे तो आप बी थ्रू लाइन लेकर जाएंगे या सर्कल लगा देंगे तो ये बीज बन जाएगा, लेकिन जब आप बिजी लिखेंगे चूंकि साउंड के बाद यानी कि एस या जी के बाद हमारे पास वॉवल आ रहा है, वर्ड वॉवल पे एंड हो रहा है, इसलिए हम बी लिखेंगे, साथ में हम जी की स्ट्रोक पूरी लिखेंगे ताकि हमें देखते से पता चल जाए कि यहाँ इसके साथ लास्ट में वॉवल है. ठीक है, यानी कि जैसे हमने ऊपर देखा स्लीप, एस सर्कल पहले था तो इसलिए हमने एस सर्कल लिखा. एस स्लीप में क्या था कि वावल पहले आ गया, इसलिए हमने एस सर्कल जो एस की स्ट्रोक है वो पूरी लिखी और फिर पी लिखा. सेम सीन यहाँ पर भी है, जब वर्ड लिखते हैं बीज तो एस या जी पे जाकर साउंड ख़त्म हो रहा है तो हमने एस सर्कल लगा दिया, लेकिन जब हम वर्ड देखते हैं बिजी तो बिजी में क्या है जी, बिजी के फ़ौरन बाद हमारे पास वावल है, यानी कि वावल जो वर्ड है हमारा वो वावल पे एंड हो रहा है, यानी कि एस या जी के साउंड पे नहीं हो रहा, उसके बाद हमारे पास वाई का साउंड भी आ रहा है. तो कहते तब आप उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रोक पूरी लिखेंगे. ठीक है, इसलिए बाकी वर्ड देखें, पुलिस एंड पॉलिसी. तो जब हम पुलिस लिखते हैं तो एस पे जो वर्ड है वो जाके ख़त्म हो रहा है तो इसलिए हम जाके एस सर्कल लगा देंगे, लेकिन जब हम वर्ड देखते हैं पॉलिसी तो एस के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, वॉवल का साउंड. तो जब वॉवल का साउंड आ रहा हो तो हमने रूल पढ़ लिया है, तब आप स्ट्रोक पूरी लिखेंगे. ठीक है, ताकि वॉवल इंडिकेट हो सके ईजिली. और ये वॉवल्स इंडिकेशन इसलिए यहाँ पे ये आपको बता रहा है और सिखा रहा है ताकि जो जब हम आगे जाएंगे तो हम वॉवल्स नहीं लगाते. वॉवल्स हमारे पास तब तक लगते हैं जब हम 35 या 36 नंबर एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो तब हम वहाँ उससे आगे जाके वॉवल्स जो है वो छोड़ देते हैं, हम वॉवल्स लगाते नहीं हैं. वॉवल्स इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि अगर हम वॉवल्स लगाने शुरू हो जाते हैं तो फिर क्या है जी, हमारी स्पीड नहीं बन पाएगी. आपने क्या करना है कि जैसे हमने वर्ड पढ़ा है एस्केप, तो जब ये ऑन द लाइन लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड बात है कि जब हमारे पास पहले स्ट्रोक ऑन द लाइन लिखी है इट मीन इसके साथ सेकंड प्लेस के वॉवल लगेंगे, लेकिन जब हम देखते हैं पुलिस तो ये अबव द लाइन है इट मीन इसके साथ फर्स्ट प्लेस के वॉवल लगेंगे. अब वो चारों वॉवल में से कौन से वॉवल लगेंगे ये अब आपकी वोकेबलरी है, आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसके साथ कौन सा वॉवल लगाना है. पुलिस है तो इसको मैं पालीस तो नहीं बोलने वाला, तो उसको पुलिस ही मैं बोलूँगा ऑटोमेटिकली. ये अब आपके वोकेबलरी पे डिपेंड करता है या आपके साउंड्स पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह पे करते हैं. तो ये चीज़ें, ये जो पोजीशन हम स्ट्रोक की लिखते हैं, ऑन द लाइन, अबाउट द लाइन, थ्रू द लाइन, ये हम इसीलिए लिखते हैं कि जब अगर हम स्ट्रोक ऑन द लाइन देखते हैं हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसके साथ सेकंड प्लेस वॉवल हैं, और इस तरह जब स्ट्रोक अबाउट द लाइन देखते हैं इट मीन्स फर्स्ट प्लेस वॉवल के वॉवल लगेंगे, और इस तरह जब स्ट्रोक हम थ्रू द लाइन देखते हैं इट मीन्स के हमारे पास थर्ड प्लेस के वॉवल लगेंगे. अब कौन कौन से वॉवल लगेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, आपने पढ़ना है वर्ड कौन सा लिखा हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड लिखता हूँ पॉल, इसको मैं यूँ लिख देता हूँ लेकिन मैंने इसके साथ वॉवल नहीं लगाया, तो ये जब मैंने देखा कि अबव द लाइन है तो अंडरस्टूड बात है कि इसके साथ फर्स्ट प्लेस के वॉवल लगेंगे. फर्स्ट प्लेस के वॉवल कौन से हमारे पास, लॉन्ग वॉवल आ, शॉर्ट वॉवल ए, लॉन्ग वॉवल ओ और शॉर्ट वॉवल ओ. तो या तो ये पॉल है, पॉल वर्ड तो नहीं होता इंग्लिश में, पॉल है, या ये एप्पल भी है, एप्पल भी हो सकता है क्योंकि इससे पहले भी हम वॉवल लगा सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम वर्ड के बाद वॉवल लगाना है. या ये पॉल है या ये एप्पल है. ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैराग्राफ लिख के लेके जा रहे हैं. जब आप किसी लिटरेचर या इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, किसी मर्द के या किसी मतलब मेल के बारे में बात कर रहे होंगे, किसी अंग्रेज मेल के बारे में, तो इट मीन्स कि आप किसी का नाम लिखेंगे. लेकिन जब आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की बात कर रहे होंगे तो तब आपको पता है जी एप्पल्स और मैंगोज़ की बात हो रही है, तो इट मीन्स दिस इज़ एप्पल. तो ये मैं वही इसलिए ये बात आपको समझा रहा हूँ कि ये अब आप पे डिपेंड करेगा आगे चलकर कि जब आप फर्स्ट प्लेस वॉवल देखेंगे वर्ड अबव द लाइन तो आपने खुद इसको पढ़ना है कि ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, और इस तरह जब आप ऑन द लाइन देखेंगे तो फिर आप देखेंगे कि इसके साथ मैंने कौन सा, अब ये जो मैंने ऑन द लाइन लिखा है, अब इसके साथ अगर हम सेकंड प्लेस के वॉवल्स पढ़ते हैं तो
सेकंड प्लेस के जो वावल्स हैं, सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए, लॉन्ग वावल ए है, शॉर्ट वावल ई है, लॉन्ग वावल ओ है और शॉर्ट वावल यू है। अब अगर हम लॉन्ग वावल ए से पढ़ते हैं तो ये बन गया पेल, पेल वर्ड होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं पेल, PEL, पेल, फिर पोल और फिर पल। तो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास एक वर्ड जो है हमारी सेंस को क्लियर कर रहा है, वर्ड है पेल। तो पहला वर्ड हम अपनी सेंस के मुताबिक क्लियर करेंगे, या फिर जो पैराग्राफ हम लिख रहे होंगे उस पैराग्राफ के नेचर के मुताबिक हम अपनी तरफ से वावल लगाएंगे। वैसे ये समझने तक है, लेकिन जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना शुरू हो जाते हो ना, तो वर्ड्स को देखते साथ ही पता चल जाता है कि ये एप्पल है या फिर ये हमने इधर पॉल लिखना है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ बार बार कि प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे वर्ड्स के साथ उतनी ज़्यादा पहचान होगी, क्योंकि आगे चलकर हमारे पास वावल नहीं लगा होगा। इस तरह अगर हम मैं वर्ड यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ, तो बाप ने देखते थे कहना कि जब एस पूरा लिखा हुआ है, इट मीन इससे पहले वावल है, तो इससे पहले शॉर्ट वावल ई लगेगा, क्योंकि ये ऑन द लाइन लिखा हुआ है, जिसके इसके साथ सेकंड प्लेस का वावल ही लगेगा। बाकी अब आप पे डिपेंड करता है एस केप हम पढ़ेंगे या इसको एस कप पढ़ेंगे, एस कोप पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट दो स्ट्रोक होंगी उसके साथ आप कोई सा भी वावल लगाएंगे, आपने जो पहचान करनी थी वो फर्स्ट स्ट्रोक के साथ करनी थी। जब फर्स्ट स्ट्रोक ऑन द लाइन है, इट मीन एस, और ये अगर कप है या कोप है या गूप है, तो आपको पता होना चाहिए एस्केप वर्ड होता है, एस कप या स्कूप वर्ड नहीं होता। तो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब किसी एस सर्कल से पहले वावल आएगा तो अपने एस की पूरी स्ट्रोक लिखनी है, और इस तरह जब वर्ड वावल पे एंड हो रहा होगा, चाहे उसके लास्ट पे एस टी की लूप है या एस का सर्कल है, तो आप वो पूरा सर्कल नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे, आप उसके साथ वावल लगाने के लिए एस की स्ट्रोक पूरी लिखेंगे, या फिर आप एस टी के लिए एस और टी की अलग अलग लिखेंगे। एस और टी की मैं आपको बता देता हूँ, वर्ड है ऑनेस्ट और दूसरा है ऑनेस्टी। अब आपने गौर किया किसके लास्ट, पहले हमने एस सर्कल पढ़ा था या जी को देखा था कि जी जब लास्ट पे आ रहा था तो उसने हमने जी पूरा लिख दिया, लेकिन अब हमारे पास आ रहा है एस टी। ऑनेस्ट को हम यूँ लिखेंगे क्योंकि उसमें ओ का साउंड है, इसलिए हम इसको अबव द लाइन लिखेंगे ऑनेस्ट। लेकिन ऑनेस्टी में क्या देखते हैं कि वर्ड जो है हमारे पास वावल पे एंड हो रहा है, वावल का साउंड आ रहा है और साउंड वाई का आ रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कि वो ये बता रहा है कि तब आप क्या कहते हैं कि आप लूप नहीं लगाएंगे, आप क्या करेंगे, आपने पूरी स्ट्रोक लिखनी है। पूरी स्ट्रोक हम यूँ लिखेंगे, एस सर्कल के साथ हम टी की पूरी स्ट्रोक लगाएंगे ताकि हम यहाँ पे वावल इंडिकेट कर सकें, क्योंकि अगर हम इस तरह वावल इंडिकेट करने लग जाएंगे तो ये पढ़ना मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम आगे चल के वावल नहीं लगाते। ऑनेस्ट को हम ऐसे लिखेंगे, ऑनेस्टी को हम ऐसे लिखेंगे, वावल नहीं लगाएंगे। अब हम देखते साथ पहचान देंगे कि ये ऑनेस्ट और ये ऑनेस्टी है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं, ईजी हैं, मुश्किल नहीं है। तो इस तरह ये बाकी वर्ड देख लिए, लेस एस पे सर्कल ख़त्म हो रहा है तो उसने उस पे एस पे जाकर ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लेजी में वाई आ रहा है तो इसलिए उसने जी का साउंड पूरा लिखा है। इस तरह मोडेस्ट में एस टी की लूप पे जाकर ख़त्म हो रहा है तो उसने एस टी की लूप लगा दी, और मोडेस्टी में वाई का जो है वावल आ रहा है इसलिए उसने इसको वाई लगा दिया। तो नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं कि वैन ए वावल अकर्स बिटवीन एस एंड टी, दैट लूप इज़ नॉट यूज। जी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने वर्ड्स देखे एस टी लूप वाले, जैसे ऑनेस्ट था, मोडेस्ट, लेकिन इनमें यह है कि एस और टी के दरमियान इनमें वावल नहीं है, तो हमने एस और टी की लूप बना दी। लेकिन जब आपके पास एस और टी के दरमियान वावल आ जाए तब आप क्या करेंगे, जैसे कि वर्ड्स हैं हमारे पास डिपोज्ड, डिपोज्ड बस जी और डी का साउंड है, इनके दरमियान कोई वावल नहीं है, तो इसके लिए आपने क्या लिख दिया, आपने एस टी की लूप लिख दी। लेकिन वो कहते हैं जब आपके पास एस ओ टी के दरमियान या एस ओ डी के दरमियान वावल आए, फिर आप क्या करेंगे, जैसे वर्ड है हमारे पास डिपॉजिट, डिपॉजिट। अब ये देखिए एस ओ टी के दरमियान हमारे पास क्या आ रहा है, वावल, तो इसके लिए वो कहता है कि आप इसके लिए भी जो है आप एस ओ टी की स्ट्रोक लिखेंगे ताकि आपको पता हो कि इसके दरमियान हमने वावल लगाना है, ठीक है। फिर इस तरह ये बाकी वर्ड देखें, वास्ट तो एस टी पे जो ख़त्म हो रहा है, लेकिन विजिट, विजिट में एस ओ आई टी के दरमियान वावल है, इसलिए उसने इसको एस ओ टी की स्ट्रोक के साथ लिखा है। इसे जब वर्ड देखते हैं अपोज्ड तो उसमें वावल नहीं है तो उसने एस टी की लूप के साथ लिखा है, लेकिन जब हम ऑपोजिट देखते हैं तो उसमें हमारे पास वावल आ रहा है इसलिए उसने एस ओ टी की स्ट्रोक लिख दी। इस तरह बेस्ट, बेसिट, रेस्ट और रसीट, रसीट में वावल है इसलिए उसने एस ओ टी के साथ लिख दिया। द आउटलाइन दस इंडिकेट्स द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ ए वावल साउंड। वो कहता है कि ऐसे ऐसे वर्ड्स जो कि एस सर्कल या एस टी की लूप पे ख़त्म हो रहे हैं, इट मीन्स उनके साथ वावल नहीं है, इनके एब्सेंस ऑफ वावल को शो करेंगे। लेकिन ऐसे वर्ड्स
जो कि एस जिनके लास्ट पे एस की पूरी स्ट्रोक लिखी हुई है या एस और टी की पूरी स्ट्रोक लिखी हुई है, एस टी की लूप हमने यूज़ नहीं की, इट मीन्स दे आर शोइंग दैट द प्रेजेंस ऑफ ए वावल साउंड, कि वहाँ पे वावल साउंड अवेलेबल है, हमने उसके साथ वावल साउंड पढ़ना है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, एज देर आर नो प्लेसेस अलॉन्ग साइड अ सर्कल आर लूप फॉर प्लेसिंग वावल साइंस वी मस्ट राइट अस, कहता जी ए सर्कल के साथ या फिर किसी लूप के साथ, अगर अकेला अकेला ए सर्कल हमने लिखना हो या अकेली एस लूप लिखनी हो तो उसके साथ हमारे पास प्लेस नहीं होती वावल लगाने के लिए। मसलन जैसे ये वर्ड्स हमारे पास अस, तो अगर हम इसको सर्कल लिख देते हैं, एक छोटा सा अगर हम सर्कल लिख देते हैं तो हम इसके साथ वावल यहाँ पे तो नहीं लगाएंगे ना, वैसे ऑकवर्ड सी बात फील हो रही है। तो कहता है जब इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनके उनके लिए आप पूरी स्ट्रोक लिखें और उसके साथ वावल लगाएं, इस तरह सो है तो आप उसके साथ वावल लगाएं, क्योंकि अकेला एस का साउंड है तो इसलिए हमें एस की स्ट्रोक पूरी लिखनी पड़ रही है। से सेज, अब ये सेज हम इसको डबल सर्कल तो नहीं लगा सकते, ये हमारे पास इज एज हो जाएगा जो कि हमने पीछे पढ़ा था। तो ये बाकी वर्ड देख लीजिए, सी सीज, क्योंकि इसमें सिर्फ एस और एस टी का लूप का साउंड आ रहा है इसलिए उसने इसको जो है वो पूरा स्ट्रोक उसने कहा जी लिखी है ताकि आप इजिली वावल इसके साथ लगा सकें, इजिली इसको थ्रू थ्रू द लाइन कर सकें, इजिली इसको अबव द लाइन लिख सकें, इजिली इसको ऑन द लाइन लिख सकें। सीज्ड, अब सीज्ड वर्ड है तो इसको भी हमें मजबूरन एस की स्ट्रोक के साथ लिखना पड़ेगा, लास्ट पे एस टी की लूप लगानी पड़ेगी सीज्ड। और इसी तरह जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है सीजेस, ये देखिए अब एस के थ्रू लाइन लेके जाएंगे और डबल सर्कल लगा देंगे एस वाला। और इस तरह आइस, अब आइस के लिए है क्या जी, आई को कहते हैं जी आप एस के साथ मिला दें तो ये आइस बन जाएगा। और इसी तरह एस से स्टार्ट में भी वावल लगे बाद में भी वावल लगेगा, और इस तरह आइज ये जी के साउंड के साथ आ गया, और इस तरह ईज जी थ्रू द लाइन चलेगा और वावल पहले है तो हमने वावल पहले लगा दिया, और इस तरह ईजी ये लॉन्ग ई है और साथ में वाई के डॉट लग जाएगा। ओज, ये वर्ड ओज है ओव्ज नहीं है, ओज ठीक है, तो इसके साथ वावल लग जाएगा। आगे हम देखते हैं क्या है हमारे पास, आगे भी इस तरह के मिलते जुलते वर्ड्स हैं हमारे पास, हम उनको रीड आउट करते हैं। ये जी हमारे पास स्पेशल फ्रेजेज हैं, सबसे पहले हमारे पास है सो मच, वो कहता है जी सो मच को आप किस तरह लिखेंगे, सो मच को लिखने के लिए कहते हैं जी आप एस पूरा लिखें साथ में एम और जे लगा दें तो ये सो मच को शो करेगा। और मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये हमारे पास बन जाएगा सो मच ठीक है। और इस तरह जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है ये सो मच हो गया, इसके बाद है हमारे पास टू मच, ये हमारे पास बन गया टू हैवी होगा ये हमारे पास, और ये एम और जे कहते हैं जी आप इसको स्पेशल फ्रेज लिखें, क्योंकि हम इसको सो मच यूँ नहीं करें क्योंकि हमने मच इस तरह पढ़ा था, तो कहते हैं जी आप इस तरह ना लिखें, आप पूरी आउटलाइन लिखें एस और एम और जे के दरमियान सो मच, और इस तरह टू मच, और इस तरह हाउ मच ठीक है, हाउ लिखें साथ में मच लगा दें, इस तरह ये हमने पढ़ा था मच, तो इसके साथ तो सर्कल लगेगा स्टार्ट में, तो एज मच एज मच एज, और इस तरह ये था मच, ये था हमारे पास एज मच एज, तो अगर हम इसके साथ इन मिला देते हैं तो इन एज मच एज हो जाएगा जैसे कि बुक के ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। और इस तरह जो है एज मच एज पॉसिबल, ये था हमारे पास एज मच एज, तो हम इसको यूं कर देते हैं एज मच एज पॉसिबल ठीक है, एज मच एज पॉसिबल को हम इस तरह लिखेंगे। और इस तरह एज अर्ली एज पॉसिबल, ये है स्ट्रोक हमारे पास अर्ली की, तो ये हमारे पास एस सर्कल लग जाएगा, तो एज अर्ली एज ये पी एस की स्ट्रोक लग जाएगी एज अर्ली एज पॉसिबल। ये आउटलाइंस आपने इसी तरह लिखनी है, ये किसी रूल को नहीं फॉलो कर रही, ये स्पेशल आउटलाइंस का मतलब ये होता है कि स्पेशल रूल के साथ लिखी हुई है जो कि सेम ऐसी ही रहेंगी, आपने इनकी क्या है प्रैक्टिस करनी, बस इनका रटा लगाना लिख लिख कर और इनको ऐसे याद रखना है। एज फार एज पॉसिबल, ये है जी फार, तो ये हो जाएगा एज फार एज, और ये हमारे पास हो जाएगा पॉसिबल। तो ये आउटलाइंस आपने लिखनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म्स है हमारे पास, शॉर्ट फॉर्म के लिए ये है कि जब आपके वर्ड आता है स्पेशल तो आप एस सर्कल के साथ यूँ लिखते हैं, लेकिन जब वर्ड आता है स्पेशल यानी कि ई से स्टार्ट हो रहा है तो तब आप स्पेशल या फिर स्पेशली, तो तब कहते हैं आप एस सर्कल पूरा लिखें एस की स्ट्रोक और पी लगा दें साथ, ये हो गया स्पेशल या स्पेशली। और इस तरह अगर आपके पास अबव द लाइन गे है तो इट मीन्स लैंग्वेज या फिर इट मीन्स ओइंग, और अगर ये इंग थ्रू द लाइन है लाइन के बिल्कुल नीचे है तो ये इट मीन्स यंग, और अगर ये वर्ड है इन और एनी तो अगर ये
एन के साथ इंग है तो इट मीन्स एनीथिंग, और अगर ये ऑन द लाइन होगा तो इट मीन्स नथिंग, और इस तरह सम के साथ अगर हम थिंग लगा देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास समथिंग। तो ये हैं हमारे पास कुछ आउटलाइंस जो हमने शॉर्ट फॉर्म जो हमने अभी डिस्कस की। आप लोगों का क्या काम है कि आप लोगों ने इन वर्ड्स की वाउल इंडिकेशन के लेक्चर को बार बार देखने हैं, बार बार सुनने हैं, पढ़ने हैं, जिस चीज़ की समझना है उसको दोबारा देखें, दोबारा सुने। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के साथ आपकी ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो इस लेसन के साथ जो हमारे पास एक्सरसाइजेज आ रही हैं वो एक्सरसाइज नंबर 36 आ रही है, 37 है, 38 है और 39 है। उसके बाद 40 भी क्लियर हो जाएगी और 41। 41 तक जो है हमारा आज लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तमाम रूल्स इसके अंदर आ जाएंगे। अगर आप 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर भी ये 41 एक्सरसाइज करते हैं तो नो इशू। आप लोगों ने रूल्स पहले अच्छी तरह रिमेंबर करने हैं, उसके बाद आपने वर्ड्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। देन आपने क्या करना है, आपने पहले एक्सरसाइज नंबर 36 करनी है। उसके बाद अगर आप थक जाते हैं तो नो इशू, आप छोड़ दें। नेक्स्ट डे क्या करना है, आपने 37 की एक्सरसाइज करनी है और 38 की करनी है। थोड़ा थोड़ा काम लेकर चलना है जिस तरह मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ज़्यादा की तरफ नहीं जाना। और फिर हो सके तो अगले दिन चल के आप 39, 40, 41, अब आपकी मर्ज़ी है, आप 4 दिनों में करें, 5 दिनों में करें, लेकिन एक्सरसाइज आपने सारी करनी है, कोई एक्सरसाइज छोड़ी नहीं है। और सब की आपने रिकॉर्डिंग करनी है, पहले प्रैक्टिस करनी है जिस तरह मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट हैंड को देख के आपने प्रैक्टिस करनी है। जो वर्ड ज्वाइन हो रहे हैं उनको ज्वाइन लिखना है, और जो वर्ड ज्वाइन नहीं है उनको आपने ज्वाइन नहीं करना। तो ज्वाइनिंग जितनी ज़्यादा आप करने करेंगे उतनी जल्दी आप इसको सीखेंगे, फिर उतनी जल्दी आपकी जो है वो स्पीड भी बनेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।